तो आगे चुनाव नहीं होंगे। विपक्ष एकजुट नहीं हुआ, जितने भी विपक्ष के नेता हैं सब ईडी के माध्यम से जेल में चले गए, कोई नहीं बचा। आप मुझे बता दो जो कोई भी सरकार के खिलाफ मुखर होकर के लड़ रहा है उसके खिलाफ ईडी का दुरुपयोग है कि नहीं है? लेकिन सर लगता है कि ईडी गठबंधन रह पाएगा जी, अभी इनको सोचना पड़ेगा। जेल जाना है या इकट्ठे होकर के इनको सत्ता से बाहर करना, ये फैसला उन्हीं को लेना होगा। यात्रा जारी है, वही वही के विरोध होने शुरू हो गए, क्या वो इंडिया गठबंधन के खिलाफ ही हो रहा है? मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ, आप राहुल की बात कर रहे हैं। मेरा राहुल से क्या ताल्लुक है? गठबंधन की बात है ना, मैं उस गठबंधन का हिस्सा नहीं हूं। अगर मैं उसका हिस्सा होता तो मैं उसके बारे में कुछ चर्चा करता। मैंने बता दिया कि जिन लोगों ने गठबंधन किया है अगर इन्होंने इस धर्म को नहीं निभाया तो सारे जेल जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। इस सरकार ने लगातार 10 साल में जहां भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया वहां पिछले 5 वर्ष में अनेक घोटाले किए, और जिन घोटालों की वजह से आम आदमी के सामने परेशानी आई, कोरोना काल से लेकर के अब तक हमने विधानसभा में भी बारी बारी इन बातों को उठाया। धान का एक ऐसा घोटाला है जिसमें कई 1000 करोड़ रुपए जो सत्ता में बैठे लोग खा गए, नमी के नाम पे खा गए। मैंने मुख्यमंत्री से विधानसभा में पूछा था ये नमी के नाम के ऊपर जो पैसा किसान का काटा जा रहा है आप केवल इतना बता दिए खाते में किसके जा रहा है, किस एजेंसी के खाते में जा रहा है? मिल मालिक के खाते में जा रहा है, आड़ती के खाते में जा रहा है, या सरकार की जो एजेंसी की खरीद कर रही है उसके खाते में जा रहा है? या मैंने पूछा कि तुम्हारे खजाने में आ रहा है? तो मैं जांच कराऊंगा, आज तक जांच नहीं है। उसके अलावा और बहुत सारे घोटाले हैं, शराब का घोटाला है, रजिस्ट्री का घोटाला है, और सबसे बड़ा घोटाला आज तो शहरों में चल रहा है ये जो प्रॉपर्टी आईडी है। इस प्रॉपर्टी आईडी के अंदर भी हर आदमी से पैसा लिया जाता है। आपके यहां पे दिलबाग सिंह के खिलाफ ईडी से छापे मरवाए गए, हैरानी की बात है, जिसके घर से कोई कागज नहीं पकड़ा गया, जिसके घर से पैसा नहीं पकड़ा गया, कोई दस्तावेज नहीं है, किसी तरह की कोई बरामदगी नहीं है, जिसके घर से 5 करोड़ पकड़े गए, 5 किलो सोना पकड़ा गया, वो तो अपने घर में ठाट से बैठे, जिसके कोई चीज नहीं पकड़ी गई उसको जेल में मिलकर। तो आपके सामने की बात है सकते हैं किस तरह से ईडी का दुरुपयोग किया जाता है, लेकिन हमारा कोई भी साथी इस तरह की छापामारी से या इस तरह के मुकदमों से लड़ने वाला नहीं है। लोग हमारे साथ हैं और आने वाला कल भी इंडियन नेशनल लोकल पार्टी है, भाजपा अरे लुटेरे सत्ता से बाहर हो जाए। जब हमारी सरकार बनेगी तो बकायदा तौर पे आयोग बनाएंगे, और उस आयोग में रिटायर्ड जुडिशियल के लोगों को लेंगे, और इनको जुडिशियल को जांच छोड़ करके इन लोगों के खिलाफ जो इन्होंने पैसा इकट्ठा किया है, जो लूट अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज इन्होंने करी है, उसकी सारे की जांच कराएंगे, जो भी कोई उसमें दोषी पाएगा उसे बख्शेंगे नहीं।